गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक है अपना एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हिंदी में बोलते हैं इसको गुण साचार है। गुण साचार, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। जनरली अपन जो डेटा कलेक्शन करते हैं या डेटा यूज करते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव डेटास। क्वांटिटेटिव डेटास वो होते हैं जिसको हम नंबर से मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस सर। ठीक, चलो, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है आपको? तो जनरली अपन जो डेटा होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा कौन से होते हैं? जिसको हम नंबर से डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी हाइट कितनी है वो नंबर से मेजरमेंट होगा, आपकी एज कितनी है वो नंबर से मेजरमेंट हो जाता है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, जो क्वालिटेटिव जो डायरेक्टली नंबर से मेजरमेंट नहीं होते, जैसे ऑनेस्टी होता है, हेल्थ होते हैं, वहां उनको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्वालिटेटिव डेटास को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। क्लियर? टॉपिक है अपना एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुण साचार्य, कि ये जो क्वालिटेटिव डेटास होते हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनमें क्या रिलेशन है, वो मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें दो क्वालिटेटिव डेटास देंगे, जैसे लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, साक्षरता और रोजगार, ये दो पॉइंट हो गए। इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या लिटरेसी से एम्प्लॉयमेंट होता है? दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आपको एट्रीब्यूट्स के अंदर। स्मोकिंग एंड कैंसर, क्वेश्चन ये होगा कि क्या स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ दो एट्रीब्यूट्स में आपसे रिलेशन पूछेंगे, दो एट्रीब्यूट्स, जैसे एक हो गया स्मोकिंग और एक हो गया कैंसर। लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो एक हो गया लिटरेसी और एक हो गया एम्प्लॉयमेंट। इसी टाइप के आई कलर ऑफ फादर एंड सन, आंखों का कलर पिताजी का और पुत्र का, तो ये दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, दो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, वो क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसका। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो आप लिखोगे दोनों वेरिएबल्स में, दोनों एट्रीब्यूट्स में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो आप लिखोगे दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। इसमें क्या होता है, आपको दो एट्रीब्यूट्स मानने पड़ते हैं। एक होता है एट्रीब्यूट्स का नाम रखना ए, और एक का नाम रखना होता है बी। ये आपको एज्यूम करने पड़ते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ए और बी। एक आपको इसमें 3x3 की टेबल बनानी है। आपको क्या करना है, इसमें 3x3 की टेबल बनानी है। टेबल पे ही क्वेश्चन डिपेंड करता है, ए अल्फा, बी और बीटा। यहां लिख देना ए अल्फा, यहां लिख देना बी और बीटा। अब इस टेबल में आप ए और बी का मल्टीप्लाई लिखना है। कैसे? टेबल याद करने के ठीक बता रहा हूं आपको, ए और बी, ए और बीटा, और ये ए आ जाएगा, अल्फा और बी, अल्फा और बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा, बी, बीटा, और ये होता है एम। ये टेबल आपको याद रखनी है, किस तरह बनाना है मैंने आपको ट्रिक बता दी। ए अल्फा लिख देना है यहाँ पर, बी और बीटा लिख देना है, ए बी, ए बीटा, ए अल्फा, बी अल्फा, बीटा अल्फा, बी बीटा, इधर आ जाएगा टोटल एन हो जाएगा। टेबल में आपको कुछ कंटेंट गिवन होंगे और कुछ कंटेंट गिवन नहीं होंगे, पहले आपको टेबल फुल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये सब टोटल होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये 20 दे दिया और ये 30 दे दिया सवाल में, तो आपको 20, 30, तो ये कितना होना चाहिए? 50 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह आपको टेबल बनानी है। अगर ये 50 है और ये 100 है, तो बीच में कितना होना चाहिए? इन दोनों का टोटल ये होता है, ये 50 होना चाहिए। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70,
ये 70 है, ये 100 है, तो इन दोनों का टोटल ये होता है, तो यहाँ कितना होना चाहिए 30। क्लियर? ये 20 है, ये 70 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए आपके 50, तभी तो 100 हो जाएगा। ये 50 आ रहा है तो यहाँ 0 ही होगा। इस तरह ये टेबल आपको बनानी है। कुछ कंटेंट गिवन होंगे आपको, कंटेंट के बेसिस पे आपको ये पूरी टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको टेबल बनाना आना चाहिए। टू वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल ए होगा, एक बी होगा। आपको टेबल कैसे बनानी है, ए अल्फा बी बीटा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में आ जाएगा बी बीटा और एन, ये हो जाएगी 3x3 की टेबल। इस टेबल बनाने के बाद ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके कोर्स में है यूल, एक ही है, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जूल का साहचर्य गुणांक, उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्यू ए बी, क्यू ए बी। एक सेकेंड, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलोगे आप इसको, क्यू ए बी, जूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जूल का गुण साहचर्य गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या है, मैं आपको ये याद, याद करना है, ए बी का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से होना चाहिए। तो ए बी का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, अल्फा बीटा से, और बीच में माइनस, और ए बीटा का मल्टीप्लाई करना है अल्फा बी से। ए बीटा का मल्टीप्लाई किससे करना है, अल्फा और बी से, और नीचे ए का ये वापस रखना, बीच में प्लस कर जाएगा, ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा अल्फा बी। तो फॉर्मूला याद करने, ठीक ध्यान रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस, और सेम नीचे आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। देखो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मतलब है कि आंसर आपका वन या वन से कम ही आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आता तो आप लिखना दोनों वेरिएबल्स में, दोनों एट्रीब्यूट्स में पॉजिटिव रिलेशन है, अगर माइनस में आ रहा है तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो एक टेबल बना दो एक, तो और ये फॉर्मूला नोट कर लो पहले। टेबल किस तरह बनानी है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार वापस समझाओ जरा। नोट कर लिया स्टूडेंट्स,
सर ये कैसे बनाइए सारणी? देखो मैं आपको ठीक बता देता हूँ, पहले आप यहाँ पर नोट कर लेना, ए यहाँ नोट कर लेना, अल्फा यहाँ नोट कर लेना, और बी ए और बी का मल्टीप्लाई करा तो ए बी हो गया ए बीटा, और ये ए आ जाएगा, अल्फा का बी से मल्टीप्लाई कर अल्फा बी अल्फा बीटा, और ये अल्फा यहाँ आ जाएगा बी बीटा, लास्ट में एन आ जाएगा, लास्ट में क्या जाएगा एन आ जाएगा। तो या तो डायरेक्ट याद कर लो आप अंदर, अगर याद नहीं करना तो इस तरह ट्रिक से बनाना सीख जाओ, ए बी ए बीटा ए अल्फा बी अल्फा बीटा अल्फा बी बीटा और ए, ठीक है इस तरह आपको टेबल याद रखनी है। समझ में आया आपको टेबल बनाना? नरेश? नहीं सर। समझ में नहीं आया अभी आपको कैसे टेबल बनानी है? नहीं सर। ठीक है देखो मैं वापस बनाता हूँ टेबल, ठीक है यहां लिख देना आप ए अल्फा, यहां लिख देना बी, और यहां लिख देना बीटा, ठीक है अब इसके नीचे मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ ए बी, क्लियर? ए का मल्टीप्लाई बी से करो तो ए बी आ गया यहां पर, अब ए का मल्टीप्लाई बीटा से करोगे तो ए बीटा आ जाएगा, और ये ए को यहां नीचे उतार लो, ये बन गई फर्स्ट लाइन। अब यहां आ जाओ अल्फा का मल्टीप्लाई बी से करो तो अल्फा बी हो जाता है, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से करो तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये अल्फा नीचे आ जाएगा, ये जो बी है यहां अंदर उतार लो, ये बीटा यहां उतार लो, और यहां उतार लो एन, क्लियर? इस तरह आपको टेबल बनाना है, या तो आप टेबल डायरेक्ट याद कर लो पूरी की पूरी, या आप मल्टीप्लाई करके बनाना सीख जाओ। फॉर्मूला कैसे बनाया वो भी क्लियर हुआ? सर कैसे बनाइए? कौन सा फॉर्मूला? नीचे वाला क्यू ए बी। देखो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, फॉर्मूला भी याद ही करना होता, लेकिन आपको देखो ए बी का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से करना है, ए बी का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से करना है, तो इस तरह लिख दिया ए बी अल्फा बीटा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है आगे माइनस ए बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा बी से करना है, ए बीटा का मल्टीप्लाई कैसे करना है, और सेम नीचे आएगा माइनस से जगह प्लस हो जाएगा, तो जब यह नंबर्स आ जाएंगे तो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी, नीचे प्लस, इस तरह बना फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला है यूल्स का गुण साचार्य गुणांक, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ओके नरेश पहला सवाल करेंगे, दो तीन सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टेबल कैसे बना रहे हैं और फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं ना, ठीक है वो तो पहला क्वेश्चन है, एक सोल्व करेंगे तो धीरे धीरे आइडिया होता जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल पर्सन है, टोटल लोग है कितने, 500 है, पर्सन कितने 500, हमने 500 पर्सन का डेटा कलेक्शन किया है, क्या क्या कंटेंट देकर रखे हैं, पहले देकर रखा है इलिटरेट अनएम्प्लॉयड, इलिटरेट अनएम्प्लॉयड कितने देखे रखा है 220, हिंदी में बोलते हैं
असाक्षर बेरोजगार 220 हो गया। दूसरा देख रहे थे आपको लिटरेट एम्प्लॉइड, लिटरेट एम्प्लॉइड 20, साक्षर रोजगार 20 हो गया। और लास्ट देख रखा है आपको लिटरेट अनएम्प्लॉइड, अनएम्प्लॉइड 180, साक्षर बेरोजगार, ये आपको कंटेंट देके रखे, ठीक है, ये आपको कंटेंट गिवन है। पहले अच्छी तरह क्वेश्चन उतार लो, टोटल पर्सन कितने हैं 500, इलिटरेट अनएम्प्लॉयड 220, असाक्षर बेरोजगार कितने 220, दूसरी लाइन में लिखा हुआ लिटरेट एम्प्लॉयड 20, साक्षर रोजगार दिया हुआ 20, और तीसरा है लिटरेट अनएम्प्लॉयड 180, साक्षर बेरोजगार 180 के बने। क्वेश्चन नोट कर लिया, दिख रहा है क्लियर? क्वेश्चन नोट कर लो तो बता देना। हो गया सर। अब रिलेशन किसके बीच में पूछा है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जुड़ा होगा तो मेन क्वेश्चन पूछा है, साक्षरता व बेकारी में, बेकारी के बीच बीच जूल का गुण साचर्य गुणांक ज्ञात करो, साचर्य गुणांक, ये क्वेश्चन है पूरा। साक्षरता मतलब लिटरेट, लिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड में क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट। साक्षरता और बेकारी के बीच गुण साचर्य गुणांक ज्ञात करो, कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स बिटवीन लिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड, लिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड, ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स बिटवीन लिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड, साक्षरता व बेकारी के बीच में गुण साचर्य गुणांक ज्ञात करो। नोट कर लिया सबने? स्टूडेंट्स नोट हो गया? इंग्लिश मीडियम वाले लाइन नहीं दिख रही होगी क्लियर, लिटरेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ए और बी मानना है, ए और
आपको ए और बी एज्यूम करना पड़ता है। किस में से करोगे? जिसमें रिलेशन पूछा है उसको ए और बी मान लो। रिलेशन पूछा है साक्षरता और बेकारी, लिटरेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन पूछा है। जिन दो के बीच में अगर आपको रिलेशन पूछा है उन दोनों को ए और बी मान लो, मन से मत मानना। ए और बी जिसके बीच में रिलेशन पूछा है, दो एट्रीब्यूट्स होंगे, दो चर होंगे, दोनों के बीच में क्या मानना है, रिलेशन बताया, तो ए और बी। ए लिख देना आप साक्षरता, लिटरेट, लिटरेट को हिंदी में आ जाएगा साक्षरता, और बी होगा बेकारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड, ये आपको मानना पड़ेगा। क्लियर? उसका अपोजिट होना चाहिए अल्फा और बीटा, ये भी ध्यान रखना है, इसका अपोजिट ही लिखना है। लिटरेट का उल्टा होता है इलिटरेट, लिटरेट और साक्षरता, और बेरोजगारी का उल्टा होता है रोजगार, एम्प्लॉयड, ये आपको मानना पड़ेगा। इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट आपको ए और बी मानना पड़ेगा। ए और बी जो मानोगे आप, वो जिसमें रिलेशन पूछा है उसको ही ए बी मानना है। क्लियर? और उसका अपोजिट करना है आपको सामने। मैंने ए माना है साक्षरता, लिटरेट, क्योंकि साक्षरता और बेकारी में पूछा, तो बी माना मैंने बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड, और उसका अपोजिट कर दिया मैंने सामने, इलिटरेट और एम्प्लॉयड। इसमें कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि ए और बी कैसे मानना है? नरेश, श्रुति, ब्रिजेश, क्योंकि जहां जहां समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछते जाना, आप रिप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो मैं आगे बढ़ू। हाँ सर, ए और बी मानना आ गया? हाँ सर, अभी आपने बताया ये तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया। अपने मन से ए और बी मत मानना, जिसमें रिलेशन पूछा उसको ए बी मान लो, और उसका अपोजिट अल्फा और बीटा होता है। क्लियर? अब आपको 3x3 की टेबल बनानी है। ए, अल्फा, बी और बीटा। अब भर देते ए बी, ए बीटा, और ये ए आ जाएगा, अल्फा बी, अल्फा बीटा और अल्फा आ जाएगा, पी बीटा और एन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जमाते जाओ। देखो टोटल पर्सन कितने हैं? 500, तो एन आ गया 500, पहला स्टेप हो गया। टेबल को बनाना बता रहा हूं मैं किस ट्रिक से बनाना है। एन कितना आ गया अपने पास? 500 आ गया। क्लियर? एन आ जाएगा आपके पास 500। अब ये देखो इलिटरेट अनएम्प्लॉयड, वर्ड प्रकरण इलिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट। इलिटरेट को क्या माना आपने? अल्फा। इलिटरेट को माना आपने अल्फा, और अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड को क्या माना आपने? बी, अल्फा बी। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बी, अल्फा बी 220, तो अल्फा बी ये अपना 220 आ गया। ऐसे जमाना देखो, क्लियर हो गया? इलिटरेट अनएम्प्लॉयड, इलिटरेट अनएम्प्लॉयड, इसको अल्फा माना था, इसको बी, तो अल्फा बी देखा रखा 220, तो 220 अल्फा बी की जगह लिख दिया। अब सेकंड क्या देखो, लिटरेट एम्प्लॉयड, लिटरेट को क्या माना आपने? ए, और एम्प्लॉयड को माना बीटा, ए बीटा 20, ये आपको देख रखा है ए और बीटा, ए बीटा 20, तो ए बीटे की जगह लिख देना 20 आ गया। आगे बढ़ो, लिटरेट अनएम्प्लॉयड, लिटरेट अनएम्प्लॉयड यानी कि ए बी, ए बी देख रखा है 180, ए बी की जगह लिख देना 180, ये हो गया ए और ये हो गया
बी ए बी हो गया 180। इस तरह आपको टेबल बनानी है, जो जो वैल्यू गिवन थी वो मैंने लिख दी, ये चार वैल्यू गिवन थी, चारों वैल्यू लिख दी। अब ये टेबल को पूरा कर दो, 180 और 220 कितना होता है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा 400। क्लियर, चलो 400 हो गया, ये 500 है तो बीच में कितना होना चाहिए 100, क्योंकि ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 500। ये 100 है, ये 20, तो ये कितना होना चाहिए 80। ये 100 हो गया, 220 और 80 कितना होता है 300, 180 और 20 कितना होता है 200। ये टेबल बन गई आपकी, टेबल बन गई। अब फॉर्मूला लगा दो, क्यू ए बी, क्यू ए बी का आपको फॉर्मूला लगाना है। क्यू ए बी का जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया किस तरह यूज करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 180 का 80 से करना है, 180 इंटू 80 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और माइनस 20 का करना है 220 से, 20 इंटू 220, और नीचे ये का ये आएगा 180 इंटू 80 प्लस 20 इंटू 220। अब इसको सोल्व कर दो, इस कंडीशन को जब आप सोल्व करोगे पूरा तो आंसर आ रहा है 0.53। आपका आंसर आ जाएगा, क्यू ए बी आ जाएगा 0.53 प्लस में आ रहा है, इसमें आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, लिटरेट और अनएम्प्लॉयड बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, साक्षरता और बेकारी के बीच में धनात्मक संबंध है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर एक बार वापस समझाओ ये सारणी। ठीक है वापस समझा देते हैं। देखो इस सारणी के बीच में आपको वैल्यू रखनी है पहले तो, ठीक है, वैल्यू कैसे रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल में क्या क्या कंटेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बनेगी। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन में लिखा टोटल पर्सन कितने थे 500, तो मैंने एन की जगह लिख दिया 500। क्लियर, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इलिटरेट अनएम्प्लॉयड, असाक्षर बेरोजगार। अब आपने असाक्षर को क्या माना है, अल्फा माना, असाक्षर की जगह आपने अल्फा का साइन लगा दिया, और बेरोजगार को क्या माना आपने, बी माना, तो अल्फा बी, अल्फा बी 220, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। देखो अल्फा बी, अल्फा बी कितना है 220, तो मैंने 220 लिख दिया। अब सेकंड पे आ जाओ, साक्षर रोजगार, साक्षर को क्या माना आपने ए, इसको ए माना, और रोजगार को क्या माना आपने बी, ए बी 20, साक्षर रोजगार सॉरी ए बीटा, एम्प्लॉयड को आपने बीटा माना, तो ए बीटा 20, तो ए बीटा 20 लिख दिया आपने। अब लास्ट बचा है साक्षर बेरोजगार, साक्षर को क्या माना आपने ए, और बेरोजगार का माना बी, ए बी, तो ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी 180, तो ए बी लिख दिया आपने 180। ये आपको टेबल तीन देके रखा था और 500 देके रखा था, जो ब्लैक वाले कंटेंट देके रखे थे वो मैंने लिख दिया। अब इनको टेबल पूरी कर दो, इन दोनों को टोटल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 400, 180 और 220 400 हो गया। ये 400 था, ये 500 था, तो बीच में होना चाहिए 100, ताकि दोनों का मिला के 500 हो गया। क्लियर, ये 20 है, ये 100 है, बीच में क्या आएगा 80 आ जाएगा, 20 और 80 100 हो गया। ये सब मिल गए, इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया, ये टेबल बन जाएगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट अप करना और आंसर फाइंड करना। थोड़ा पहला क्वेश्चन था ये, और यही का यही क्वेश्चन बीकॉम में आ चुका है, वैल्यू भी सेम। दो तीन क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फाइनल समझ में आ जाएगा कि कैसे ए और बी मानना है, कैसे अपोजिट करना है।
और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है इसमें? कैसे ए बी माना, कैसे सॉल्व किया, कैसे टेबल को सॉल्व किया है? स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक है, एक बार अच्छी तरह क्वेश्चन देख लो, वापस समझ लो, कुछ पूछना है इसमें इससे रिलेटेड मैं आपको ग्रुप में, एक तो वो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कल मैं और कराऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे दो तीन क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इतना ही क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स में आता है। ठीक है सर। हाँ बोलो। ठीक है, एक बार देख लो अच्छी तरह क्वेश्चन, रिवाइज कर लो पूरा। और कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले, स्कूति कुछ पूछना है क्वेश्चन से रिलेटेड? क्लियर हो गया सबको? नरेश, श्रुति, शैलेश। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में मैं पूरा क्वेश्चन है, मैं उसमें लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, उसमें आपको रिलेशन बताना है ए और बी किसको मानोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड करो, साक्षरता और रोजगार में रिलेशन फाइंड करो, साक्षरता और रोजगार, लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ए और बी क्या होगा? ट्राई करो। ए क्या होगा? ए देखो, इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ उसके रिलेटेड में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन में रिलेशन पूछा है साक्षरता वो रोजगार में रिलेशन होता है, साक्षरता है लिटरेट लिटरेट एंड एम्प्लॉयमेंट, ए और बी किसको मानोगे? सामने दिख रहा है ये ए हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा और रोजगार भी हो जाएगा। आप बोलो, क्या बोल रहे हो आदेश? यही बोल रहा था सर। ए हो जाएगा साक्षरता और रोजगार हो जाएगा बी, और उसका अपोजिट कर देना अल्फा बीटा, ठीक है? साक्षरता का अपोजिट हो जाएगा अक्षाक्षरता इलिटरेट, और एम्प्लॉयमेंट का हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। पहले आपको ये मानना, फिर क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो ये भी सेंड करूंगा, वो सोल्व करना है, ठीक है? तो okay, आज के लिए इनफ रखना, कोई डाउट्स है? नो सर। ठीक है, तो मैं अभी एक जस्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, उसी को सोल्व करना है, और नहीं आया तो मुझे कॉल करके पूछ लेना ना। यस सर। ओके बाय स्टूडेंट्स, बाय सर।